अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। टुडेज रेसिपी नेम इज़ चीज़ी पराठा। तो चलते हैं हम इसकी रेसिपी की तरफ। चीज़ पराठा बनाने के लिए मेरे पास यहाँ से 4 से 5 कप फ्लोर यानी कि आटा है। आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं और जो दूसरा गंदम का आटा वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसमें इंग्रीडियंट्स ऐड करने हैं। मेरे पास यहाँ पे पिंच ऑफ ज़ीरा है, टिक्का मसाला है, गरम मसाला है और पिसा हुआ हरा धनिया है, या अकॉर्डिंग टू टेस्ट है। यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं मसाले वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे पिंच ऑफ रेड चिली है, पिंच ऑफ सॉल्ट है, चिली फ्लेक्स है, फजीटा मसाला है और थोड़ा सा चाट मसाला है, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। धनिया और पुदीने के थोड़े से पत्ते भी आप इसमें ऐड कर दें, इसका टेस्ट फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। अब हमने डो बनाने के लिए पानी यूज़ करना है ताकि हम इसके डो बना लें आटे की और हम इसके पराठे बना सकें। तो आपने थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करते जाना है और इसको साथ साथ मिक्स करते जाना है। विद द हेल्प ऑफ हैंड्स कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छी डो बन जाएगी। व्यूअर्स, डो बिल्कुल यहाँ पर रेडी हो चुकी है। अब मैं इसके पेड़े बनाऊँगी और पराठे बनाऊँगी। दूसरी तरफ आपने टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च को हल्का सा फ्राई कर लेना, लाइट ब्राउन सा बस आपने करना है ताकि हम इसको पराठे के अंदर ऐड कर सकें। यहाँ पे मेरे पास एक प्याज थी और एक टमाटर और मैंने एक शिमला मिर्च कट कर दिया। अब इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। तो व्यूअर्स, ये जो वेजिटेबल्स ही फ्राई हो चुके हैं, इसमें हमने ऐड करना है 1 टेबल स्पून मेयोनीज और 1 टेबल स्पून केचप का और बाकी इंग्रीडियंट्स जो आपने इसमें ऐड करने हैं, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर का, पिंच ऑफ सॉल्ट, चिली फ्लेक्स और चाट मसाला, ये अगेन हमने इसमें ऐड कर देने हैं और आपने सारे मटेरियल को अच्छे से मिक्स कर लेना है। नाउ आई एम गोइंग टू एडिंग दिस चीज़ जो मैंने पहले से क्रश की है। अब मैं इसको इसमें ऐड कर दूंगी और इस सारे मटेरियल को अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। सारे इंग्रीडियंट्स अच्छे से मिक्स कर लिए हैं मैंने, चीज़ भी और तमाम वेजिटेबल्स। अब हम इसको पराठों में पुट करेंगे। मैंने यहाँ पे उनके पेड़े बना के उनको ऐसे सेट कर लिया। अब मैं इसकी अच्छी से गोल रोटी बनाऊंगी और इसमें जो मटेरियल है पोर कर दूंगी। इसमें पराठे की थोड़ी सी उसको शेप दी और उसमें मैंने मटेरियल को ऐड किया। अब आप इसको चारों तरफ अच्छे से सेपरेट कर लीजिएगा। अब हम इसको फोल्ड करके इसको दोबारा से बेल के उसको हम पका लेंगे। रोटी को मैंने मतलब पराठे को अच्छे से बेल लिया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। ये देख रहे हैं एक साइड इसकी जो है ऑलमोस्ट थोड़ी सी फ्राई हो चुकी है। आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है, देन हम इसको प्लेट में निकालेंगे। इसी तरह आपने टर्न बाय टर्न सारे पराठा जो हैं वो फ्राई करते जाना है। ये मेरा दूसरा पराठा जो मैं फ्राई कर रही हूँ। अब मैं दोनों पराठों को फ्राई करके सारे आपको इकट्ठा दिखाऊंगी। आपने इसकी साइड्स को बस अच्छी तरह से पकाना ताकि कहीं से कुछ कच्चा ना रह जाए। सो व्यूअर्स, चीज़ी पराठा बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बहुत ही डिलीशियस और यमी होते हैं। जैसे कि आज मौसम भी बारिश वाला है तो इस मौसम में तो स्पेशली ऐसी चीज़ें खाना इंसान को बहुत पसंद है। आप प्लीज़ इसको ट्राई करें, बहुत मज़े के होते हैं। चीज़ और वेजिटेबल्स हैं बहुत टेस्टी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसको ट्राई करें, वीडियोज़ को देखें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।